हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। टीवीएस कंपनी अपनी इंडिया में पहली 125 सीसी सेगमेंट की बाइक को लॉन्च कर दिया है, जिसका कंपनी ने नाम टीवीएस राइडर रखा है। ये 125 सीसी सेगमेंट में एक कम्यूटर बाइक है, जो कि नेकेड स्ट्रीट डिजाइन के साथ आई है। काफी स्पोर्टी लुक भी दे रही है। अगर इसकी डिजाइनिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी स्पोर्टी लुक के साथ ये दिख रही है, जहाँ पे फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प के साथ LED DRS भी दिया गया है, और इसमें आपको काफी स्टाइलिश हेड डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है। तो इसके टैंक डिजाइन को भी देख सकते हैं, काफी स्पोर्टी रखा गया है, जहाँ पे आपको TVS का लोगो मिल जाता है। साइड वाले पैनल पे 3D में राइडर का लोगो लगा हुआ है, और सिग्नेचर आपको इसका लोगो देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको स्प्लिट सीट दी गई है, लेकिन यहाँ पे ग्रेव रेल जो कि स्प्लिट नहीं है, लेकिन इसमें नीचे आपको इंजन काउल देखने को मिल जाएगा। एलॉय व्हील्स दिया गया है। इसके अलावा इसमें स्टाइलिश ऑफ स्विफ्ट एग्जॉस्ट सिस्टम भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको यूनिक डिजाइन का टेल लैंप देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट इन सेगमेंट में आपको सीट के नीचे स्टोरेज भी इसमें मिल रही है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 10 लीटर है। तो अगर इसके कलर ऑप्शन की बात करें तो 4 कलर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें येलो, रेड, ब्लैक और ब्लू शामिल है। सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको गैस चार्ज मोनो सस्पेंशन मिल जाता है, यानी कि काफी कंफर्टेबल राइड आपको मिल जाएगी। सीट हाइट भी इसकी 780mm है, यानी कि छोटे हाइट वाले भी इसे चला सकते हैं। सीट हाइट काफी कम रखी गई है। इंजन की बात करें तो 125 सीसी का 3-valve एयर ऑयल कूल्ड इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, जिसका इंजन 7000 RPM पर 11.4 HP का पावर, जबकि 6000 RPM पर 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 5-speed गियर बॉक्स के साथ ये मिलेगी। फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर भी काफी अच्छे दिए गए हैं। ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम मिल जाता है। सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी दिया गया है। वाइड रियर टायर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180mm तक है, यानी कि खराब से खराब रोडों पे भी इसे चलाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें फुली LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है। इसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर मिल जाता है, जिसके वजह से इसमें आपको नेविगेशन भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट भी सेव करके रख सकते हैं। इसमें आपको स्पीड, फ्यूल, गियर, पोजिशन इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, सारी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस बाइक में आपको फर्स्ट इन सेगमेंट में वॉइस कंट्रोल फीचर भी देखने को मिल रही है। इसमें 2 राइडिंग मोड भी दिया गया है, जिसमें इको और पावर शामिल है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 0-60 kmph तक की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है। तो इस बाइक का जो कर्व वेट है 123 kg तक है। तो ये बात आती है ओवरऑल इतने सारे फीचर्स के साथ TVS राइडर का प्राइस कितना रखा गया है। तो इसके प्राइस भी इसके कॉम्पिटेटर बाइक के हिसाब से रखा गया है। तो TVS राइडर का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस ड्रम ब्रेक वेरियंट के साथ 77,500 rupees तक रखी गई है। तो डिस्क ब्रेक वेरियंट के साथ एक्सरूम प्राइस 85,469, यानी कि 85,469 तक रखी गई है। तो इंडियन मार्केट में राइडर का मुकाबला होंडा SP और हीरो ग्लैमर से है, तो इसकी प्राइस भी उसी के आसपास रखी गई है। तो TVS कंपनी की ये नई बाइक राइडर आपको कैसी लगी, इसका फीचर्स कैसा लगा, इसकी प्राइसिंग कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएगा। मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग काफी परफेक्ट रखी गई है, क्योंकि इसमें फीचर्स भी बाकी अन्य बाइक से काफी ज्यादा दिया गया है। जैसे यूजर्स को इस समय फीचर्स चाहिए, उस टाइप के फीचर्स भी सारे इसमें दिए गए हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।